Assalamu alaikum, welcome back to my channel one time again. If you don't know me, my name is Najat and welcome to my channel. I hope you all are doing fine. If you are new here, so welcome to my channel. यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी अच्छी honest skin care plus slash makeup videos मिलेंगी. So जहाँ के ना हम सिर्फ product के बल्कि उस product के ingredients के बारे में भी detail में बात करते हैं. So if you are interested, so please subscribe to my channel and do share with all of your friends as well. But आज की जो हमारी video है वो है specially requested मरियम परवेज के ब्रांड के ऊपर के इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएं, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं कि इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं. बिकॉज मैंने निशू खान का जो नया ब्रांड है उस पर रिव्यू किया था, सो एवरीवन वाज लाइक कि अब इस पर भी रिव्यू करें कि इनकी फाउंडेशन, स्पेशली फाउंडेशन की बहुत रिक्वेस्ट थी, तो मैंने कहा चलो फाउंडेशन पर रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, हाउ द प्रोडक्ट इज एंड किस टाइप की फाउंडेशन है. कि मैंने पहले बताया था मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट एज वेल, तो मैंने कहा कि चलो टेस्ट करते हैं और बताते हैं ऑडियंस को कि ये प्रोडक्ट किस टाइप का है. ठीक है. अच्छा, वन थिंग मोर, प्लीज अवॉइड दिस बैकग्राउंड ओवर हियर एंड देयर, बिकॉज अभी रूम में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है मेरे, तो इसलिए मुझे अभी प्रॉपर अपना एक सेटअप बनाना है. ठीक है, तो आई नो कि थोड़ा सा बेटर हो सकता है, तो आई विल डेफिनेटली. ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे काफी लोग ये भी बोल रहे थे, सो डोंट वरी, आई एम वर्किंग ऑन दिस सेटअप. ठीक है, इंशाल्लाह वो जल्दी बेटर हो जाएगा. ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और भी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा. मैं ये प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहा हूँ, आई एम नॉट रिव्यूइंग अबाउट that influencer or person, because जब मैंने नताशा वकास के रिव्यू के ऊपर किया था रिव्यू, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा कि मैं नताशा वकास की बुराई कर रहा हूँ, तो काफी कमेंट्स इस टाइप के कि किस चीज की जेलसी है तुम्हें, किस चीज की खुंदक निकालो, क्या दुश्मनी. सो लेट मी टेल यू, मेरी किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है. मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मेरी किसी के साथ दुश्मनी होंगी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड एज अ जनरल व्यूअर मेरे भी कुछ ओपिनियन है जो मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूँ. जिनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद है तो वो देखते, जिनको नहीं पसंद वो नहीं देखते. वेरी सिंपल, इसके बारे में बताना चाहूंगा. मैं ये हेट क्रिएटर को नहीं दे रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट्स को टेस्ट करो, नॉट अबाउट द इन्फ्लुएंसर और द क्रिएटर. ठीक है, ब्रांड के प्रोडक्ट्स और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करने से पहले इस ब्रांड के बारे में जान लेते हैं कि ब्रांड किस बारे में है. सो दिस इज अ ब्रांड बाय मरियम परवेज. वी ऑल नो अबाउट मरियम परवेज, शी इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान. ये उसका एक ब्रांड है, इसके पीछे काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी. सो इससे ज्यादा कोई इंट्रोडक्शन नहीं इस ब्रांड के बारे में, इट्स हर ब्रांड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकिंग. पैकिंग की अगर हम बात करें, दिस इज हाउ द फाउंडेशन पैकिंग इज. ठीक है, ऑनेस्टली आई डिड नॉट लाइक द फाउंडेशन पैकिंग एट ऑल. इट्स सॉफ्ट मैट विच इज गुड. ठीक है, बट आई डोंट थिंक दिस मैचेज द ब्रांड का एस्थेटिक. ठीक है, ओवरऑल अगर ब्लश की बात करें, आई थिंक द पैकिंग इज रियली अडोरेबल एंड क्यूट. इट मैचेज विद द ब्रांड का एस्थेटिक. और दिस फाउंडेशन रिटेल्स फॉर 3600 रुपीज, विच इज काइंड ऑफ प्राइसी. ठीक है, और अगर आप लोग इनकी ब्रांड की इनके ब्रांड के ऊपर 4000 के ऊपर डिलीवरी फ्री होती, तो इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, क्योंकि 250 फिर डिलीवरी भी ऐड हो जाती है 200, तो फिर ये 3850 की बन जाती है डिलीवरी, तो आप कुछ और ऐड करके थोड़ा सा ऑफ ले सकते हो. ठीक है, एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. मैंने इनके ब्रांड को फाउंडेशन जब परचेज की, मैंने इनके ब्रांड से कॉन्टेक्ट किया कि मुझे फाउंडेशन की इंग्रीडियंट लिस्ट भेज दें, बिकॉज आई वॉन्ट कि मुझे जब तक प्रोडक्ट मिलता है इसके इंग्रीडियंट्स के बारे में मैं सारा अच्छे से यू नो रीड कर लूँ एवरीथिंग. बट The customer service of this brand is like very 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 bad. मैंने एक दफ़ा नहीं, दो से तीन दफ़ा ईमेल की ब्रांड को, और वो ईमेल ब्रांड तक पहुंची ही नहीं. I don't know why, but एक दफ़ा नहीं, मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई की, बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला ब्रांड की तरफ से. I don't know उनको ईमेल पहुंचा नहीं क्या हुआ, बट कस्टमर सर्विस इज़ वेरी बैड. ठीक है, मुझे कोई भी इंग्रीडियंट्स नहीं मिला. सो आई वॉज जस्ट होपिंग कि फाउंडेशन के ऊपर इंग्रीडियंट्स लिखे हो किसी न किसी तरीके से. तो थैंकफुली देर वर इंग्रीडियंट्स, बट इतने बुरे तरीके से इंग्रीडियंट्स लिखे हुए कि मैंने फोन की फ्लैश ऑन करके कि पड़े हैं इंग्रीडियंट्स, इतने मतलब लगे थे, मुझे लगता था मेरे तो आँखें बाहर आ जाएंगी. बड़े मतलब ऐसे इंग्रीडियंट लिस्ट लिखी हुई है कि पड़ी ही ना जाए. ठीक है, बट मैंने भी कहा कि माय नेम इज नजफ, सो ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं इंग्रीडियंट्स के बगैर प्रोडक्ट को रिव्यू कर लूँ. तो मैंने सारे इंग्रीडियंट्स को पढ़ा. भाई हम इंग्रीडियंट्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले पैकिंग इनसाइड से देख लेते हैं कि इनकी इनसाइड से पैकिंग कैसे है. So this is how the inside packing is. It's very simple and pretty. और ये glass bottle है. The foundation name is Liquid Glass Skin. ठीक है. Now when I heard the name Liquid Glass Skin, so मेरे mind में वो एक बहुत ही dewy, serumy foundation type की वो आती है mind में, but it's totally opposite. तो भी हम देखेंगे इसके results की इसका क्या result है. Overall it's not like a glass skin foundation. वो जब हम skin पे apply करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी. It's not a glass skin वाली foundation. ठीक है.
according to the brand, it's made in Italy. So I think we all need to come to the reality and touch some grass, okay? Because we all know it's not made in Italy. Because we all know it's not made in Italy, okay? And brands ki product kaise bante hai, kahan se bante hai, us wali field mein ghusa hua hu, to I know ki ye wali packing aram se aapko China mein mil jati hai. Aur maine kuch brands ko dekha bhi hai ki wo is type ki packing mein China se bana rahe hain. They have mentioned ki it's made in China, okay? So I'm 110% sure ki iski jo bottle ye hai, ye to 100% China se hi hai. And the formula is also made in China. It's not bad ki formula China se bana. I don't know why brands are scared to put it's made in China, because I think ab wo wali awam, educated awam aane lag gayi hai slowly slowly karke chalo sahi. बट अब आपको अब समझ आने लगी है कि मेड इन चाइना इज नॉट बैड, बिकॉज वो बचपन से एक प्रोस्पेक्टिव है माइंड में कि मेड इन चाइना सो इट माइट बी बैड, बट इट्स नॉट द केस इन रियलिटी. अच्छी चीजें भी बनती है, बुरी चीज भी चाइना पे बनती है. आई डोंट नो व्हाई दे आर स्केयर्ड टू टेल द ट्रुथ, बट आई एम 100% श्योर इट्स नॉट मेड इन इटली. हाँ, ये हो सकता है कि फॉर्मूला इटली में बना हो, ये ऑल ऑफ दैट ठीक है. बट अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती तो ब्रांड वहां लिखते कि इट्स फॉर्मुलेट इन USA और इटली और मेड इन चाइना. अगर मेड इन इटली खाली लिखा हो, इट मीन्स कि सारा का प्रोडक्ट ही इटली में बनाया गया, विच वी ऑल नो इट्स नॉट ट्रू ठीक है. ऑल्सो आई हैव टू टॉक अबाउट द पम्प. इसका पम्प काम ही नहीं कर रहा मेरे वाले का, तो आई थिंक पाइप में फाउंडेशन स्टक हो गया या आई डोंट नो, बट मेरा तो पम्प काम ही नहीं किया. स्टार्टिंग में एक दफ़ा काम की, ये देखो इट्स कम लाइक अ वेरी थोड़ा सा प्रोडक्ट आता है, बिल्कुल डॉट जितना ठीक है. तो ये देख लो फाउंडेशन का शेड. अच्छा, आई डोंट नो, कोई एक ड्रॉप उड़ के मेरी बिल्कुल कैमरे की स्क्रीन पे गया. आई थिंक इट्स अ फाउंडेशन, ये इट्स अ फाउंडेशन. आई डोंट नो ये कैसे गया, बट ये पंप का इशू है ठीक है. और मुझे अब यहाँ से साफ करना पड़ेगा, एक सेकेंड. ओवरऑल ब्रांड के 6 टोटल फाउंडेशन शेड्स हैं, जो कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं मुझे समझ आता है, बिकॉज आई नो यहाँ पे डार्क टोन्स नहीं पसंद करते. तो 6 टोटल फाउंडेशन शेड्स थे इस ब्रांड के ठीक है. शेड्स का बड़ा मसला था, क्योंकि ना वहाँ पे सिर्फ 6 शेड्स थे और मोस्टली ऑफ देम वो आउट ऑफ स्टॉक, या तो एक M6 अवेलेबल था या M2 अवेलेबल था. तो मुझे M2 पिक करना पड़ा, बिकॉज मैंने फाउंडेशन अपनी सिस्टर पर टेस्ट करनी थी. तो मेरी सिस्टर इज नॉट लाइक वेरी M6, वो बहुत मीडियम टोन पर था. तो आई हैव टू पिक M2. आई नो इट वॉन्ट बी अ परफेक्ट मैच ऑफ माई सिस्टर, बट जो अब था उसी के साथ काम करना पड़ना है. इनकी ऑलमोस्ट पूरी वेबसाइट ही बस आउट ऑफ स्टॉक थी. आई डोंट नो कि इटली से स्टॉक आना बंद हो गया है, ये क्या सिस्टम है, या शिपमेंट्स का इशू है, ये क्या है. बट मैंने नोट किया कि वेबसाइट ऑलमोस्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक ही थे ठीक है. ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फाउंडेशन के बारे में. अभी मैं अपनी सिस्टर के ऊपर इसका पूरा टेस्ट करके दिखाऊंगा एवरीथिंग, कि कितनी लॉन्ग वेयरिंग है, कैसा फॉर्मूला है, एवरीथिंग हेड टू टो मैं आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा ठीक है. इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी हम बात करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को ब्लश की पैकिंग दिखा दूँ ठीक. इसके बाद फिर हम इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं ठीक है. सो दिस इज हाउ द ब्लश पैकिंग इज. आई रियली लाइक द ब्लश पैकिंग ठीक है. इट रिटेल्स फॉर 650 rupees, एंड दिस इज हाउ द पैकिंग इज. इट्स काइंड ऑफ अ गुड क्वालिटी का प्लास्टिक, इट्स नॉट दैट चीप ठीक है. और ये शेड है ठीक है, एक्चुअली ये शेड है ब्राउन शुगर. और जब मैं वेबसाइट पर देख रहा था, इट वॉज अ वेरी कूल टोन वाला शेड ठीक है. बट जब मुझे मिला तो एक पीछी लाइट पीछी टोन शेड था. और इसके अंदर लिटिल बिट सी शीन भी है, और जब वहाँ पे वेबसाइट पे शीन नहीं थी पिक्चर में, बट यहाँ पे इसके अंदर थोड़े से ग्लिटर पार्टिकल्स भी वेरी फाइन से. बट इसमें लिखा हुआ है कि इट्स मेड इन चाइना ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट एनी अदर टाइम, और हम फाउंडेशन की इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने टेस्ट भी करना है इस फाउंडेशन को, और भी बात करनी है इस फाउंडेशन के बारे में. तो जल्दी से हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं. आफ्टर 10 ईयर्स मैंने इसकी इंग्रेडिएंट्स को पूरी पढ़ ली, आइडेंटिफाई कर लिए. तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स में यूज हुआ है ग्लिसरीन ठीक है, विच इज एक्चुअली अ गुड ह्यूमेक्टेंट. सेकेंड इंग्रेडिएंट्स में यूज हुआ है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल. प्रोपिलीन ग्लाइकॉल अब कहीं ना कहीं आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है. इसकी ऑलमोस्ट 3 to 4 कंडोमोजेनिक रेटिंग है आउट ऑफ 5, सो इट कैन समवेयर क्लॉग योर पोर्स. इसमें एक इंग्रेडिएंट यूज हुआ है आइसोनोनाइल आइसोनोनेट. ये निशु खान के लिक्विड लिपस्टिक्स में भी यूज हो. इसी के लिए सिंथेटिक ईस्टर, जो एक इमोलियंट के तौर पे काम करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ स्किन सॉफ्टनिंग एजेंट. सम स्टडीज हैव शोन दैट कि जब ये फाउंडेशन वगैरह के टाइप के प्रोडक्ट्स में यूज हो जाता है, सो इट कैन समवेयर इरिटेट योर स्किन एज वेल ठीक है. लिप प्रोडक्ट्स में इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग ऑफ अ डील, बट जब ये फाउंडेशन वाले प्रोडक्ट्स में आते हैं तो इट कैन समवेयर इरिटेट योर स्किन ठीक है. टेनिस मेकिंग यूज हुआ है डाई एथाइल एक्साइल कार्बोनेट. ये ऑलमोस्ट बाकी के इंग्रेडिएंट्स को डिस्पर्ड करके रखता है ठीक है, सेपरेटली करके रखता है. देन इसमें 2 टाइप के सिलिकॉन्स भी यूज हुए हैं, वो तो सिलिकॉन्स है साइक्लोपेंटासिलोक्सेन एंड साइक्लोहेक्सासिलोक्सेन ठीक है.
ये दोनों एक सिलिकॉन्स की फॉर्म है जो कहीं ना कहीं स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं और जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म होने में बेटर करते हैं, मोस्टली लाइक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लमेटिक पार्ट। इसमें यूज हुआ है मीका। नाउ मीका हैज़ अ होल बिग स्टोरी, ठीक है, बट इट कैन एक्चुअली ट्रिगर्स एक्नी, ठीक है, इट कैन क्लॉग योर पोर्स समवेयर, ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट लाइक एक प्रोडक्ट को शाइनी अपीरियंस देता है, ठीक है, ऑलमोस्ट एक ग्लोवी प्राइमर्स में भी कहीं ना कहीं यूज होता है, ठीक है, जो एक बड़े ग्लो एल्यूमिनेटिंग प्राइमर्स होते हैं, स्ट्रॉब क्रीम्स, उसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने काफी दफा देखे हैं और इसमें फाउंडेशन में भी यूज हुआ हुआ है, ठीक है, सो यस इट कैन एक्चुअली क्लॉग योर पोर्स एंड कैन ट्रिगर एक्नी, ठीक है। एंड देन इसमें एक इंग्रेडिएंट यूज हुआ है पॉलीग्लिसरील 4-isostearate, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आप लोगों को एक्नी कर सकते हैं, आप लोगों के पोर्स को क्लॉग कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि इसके थोड़े से माइल्ड चांसेस हैं, इसके हाई चांसेस हैं कि आप लोगों की एक्नी को ट्रिगर करे, ठीक है, और एक्नी लेके आए, ठीक है, और आप लोगों की अगर पहले की एक्नी उसको ज्यादा खराब भी कर सकता है, ठीक है, इट कैन एक्चुअली क्लॉग योर पोर्स, ठीक है। एंड देन इसमें एक इंग्रेडिएंट यूज हुआ है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की भी कुछ स्टडीज शो होती हैं कि वो भी आप लोगों को एक्नी और पोर्स क्लॉग का इशू लेके आ सकते हैं, ठीक है। देन इसमें एक इंग्रेडिएंट यूज होता है बेंटोनाइट। अब मोस्टली मैं इंग्रेडिएंट्स देखता हूँ लाइक क्ले मास में या जरा ऑयल कंट्रोलिंग इंग्रेडिएंट्स में, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ अब्जर्टेंट, ठीक है, ये ऑयल कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, ठीक है, बेंटोनाइट क्ले भी ऑलमोस्ट यूज हुई होती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ऑयल एब्जॉर्बेंट, ऑयली स्किन वालों पे ज़्यादा सूट करता है, ठीक है, इसकी कहीं ना कहीं बहुत थोड़ी सी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज आई वुड से, ठीक है, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ऑयल कंट्रोलिंग इंग्रेडिएंट। एंड वेन यू आर मेकिंग अ फाउंडेशन लिक्विड ग्लास स्किन फाउंडेशन, आई डोंट नो व्हाई यू आर एडिंग अ इंग्रेडिएंट लाइक दिस व्हिच कैन एक्चुअली लीड्स टू यू नो ऑयल कंट्रोलिंग वाली प्रॉपर्टीज। देन इसमें ऑलमोस्ट 3 किस्म के डाइमेथिकोन्स भी यूज हुए हैं, ठीक है, एक सिलिकॉन की फॉर्म है बट इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन, और इसमें मोस्टली जो ये डाइमेथिकोन्स यूज हुए हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ थिकनिंग प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट को थिक बनाने के लिए जब आप लोग अप्लाई करो, जैसे मैंने अभी अप्लाई करके दिखाई थी इट वॉज लिटिल बिट थिक, इट वॉज नॉट सीरमी और लिक्विड, ओके। देन इसमें एक प्रिजर्वेटिव यूज हुआ है विच इज फिनॉक्सी एथेनॉल, ये प्रिजर्वेटिव है, वी ऑल नो अबाउट दिस प्रिजर्वेटिव, अब तक तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, इसको 1% तक यूज करना इज सेफ, ठीक है, और ये एक प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। एंड देन इसमें एक इंग्रेडिएंट यूज हुआ है एथाइल एक्साइल ग्लिसरीन, ठीक है, इसकी थोड़ी सी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज है बट इसका जो मेन वर्क है वो ऑलमोस्ट लाइक जो बाकी की प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको ज़्यादा बेटरली वर्क कर काम करवाना है, लाइक जैसे इसमें फिनॉक्सी एथिनॉल है मेनली, ठीक है, तो ये उसको ज़्यादा अच्छे से उसके बूस्टअप करते हैं कि वो और ज़्यादा से अच्छे से परफॉर्म हो, ठीक है। स्किन बेनिफिट्स के बारे में देखा जाए, आई एम नॉट अ दैट ऑफ अ बिग फैन ऑफ दिस इंग्रेडिएंट, ठीक है। एंड देन इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मे कंटेन, मे कंटेन मतलब शायद इसमें इंक्लूड होंगे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उसमें ऑलमोस्ट 3 किस्म के आयरन ऑक्साइड्स यूज हुए हैं व्हिच इज लाइक अ कलरेंट एजिंग है, ठीक है, जो कि पिगमेंट्स होते हैं, कलरिंग एजेंट होते हैं व्हिच इज वेरी ऑब्वियस, लाइक आई थिंक इट वाज वेरी स्टूपिड टू राइट मे कंटेन बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस, सॉरी, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस इट्स अ फाउंडेशन, इसमें वो शेड्स तो आएंगे ना, तो ऑब्वियसली इसमें पिगमेंट्स और कलरिंग एजेंट तो यूज हुए होंगे, सो आई थिंक मे कंटेन लिखना वॉज अ लिटिल बिट ऑफ अननेसेसरी। नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स, आई थिंक आप लोगों की एक्नी स्किन है सो इट कैन एक्चुअली मेक योर एक्नी मोर वर्स। अब मैं ऑब्वियसली अपने फेस पे खुद तो फाउंडेशन ट्राई नहीं कर सकता, सो दैट्स वाई मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प ली कि वो आए और मैं उनके फेस पे ट्राई करके आप लोगों को शो करा सकूँ, ठीक है। बट मैं ये मेरी सनस्क्रीन है, टेंटेड सनस्क्रीन है लारोज पे से, कि इसमें लिखा हुआ था इट हैज़ SPF 30, इसमें जस्ट टाइटेनियम डाइऑक्साइड है विच इज़ वेरी लो इन द इंग्रेडिएंट्स, सो आई डोंट नो वो SPF 30 वाला प्रोटेक्शन आप लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग SPF 30 बिकॉज टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज वेरी लो इन द इंग्रेडिएंट्स, और वो भी उन्होंने लिखा हुआ है मे कंटेन कि शायद इसमें होगा, सो SPF 30 वाला क्लेम आई थिंक इट्स अ फॉल्स क्लेम, बट लेट जस्ट अज्यूम इट हैज SPF 30, सो आई वाज थिंकिंग टू मेक अ ड्यूप फॉर दिस वन, ये वाला मेरी लालच पर से कि टेंटेड सनस्क्रीन है, ये बहुत लाइट वेट सी टेंटेड सी सनस्क्रीन है, बहुत लाइट सा टेंटेड, सो मैं अपना मॉइस्चराइजर लेके इसमें मैंने एक ड्रॉप मिक्स किया, ठीक है ना, आई क्रिएटेड लाइक ए टेंटेड मॉइस्चराइजर अपनी तरफ से, लारोज पोसे का मैं ड्यूब बना रहा था, एंड लेटर ऑन आई रियलाइज इट वॉज अ बिग मिस्टेक बिकॉज इट ब्रेक मी आउट वेरी बैडली, आई कैन शो यू यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे 2 मुझे नए पिम्पल्स निकले और यहाँ पे भी 2
मुझे नए पिंपल्स निकले, ठीक है, और मेरी स्किन इससे काफ़ी इरिटेटेड हुई। उस टाइम तक तो सोचा कि मैंने ऐसा क्या नया लगाया कि मेरी स्किन इतनी इरिटेट होगी, मेरी स्किन तो बिल्कुल, मेरी स्किन की रूटीन तो बिल्कुल वही वाली है। देन आई रियलाइज मैंने जो अपनी तरफ से कारस्तानिया की है ना टिंटेड मॉइस्चराइजर वाली, सो ये वो प्रोडक्ट है जिसने मुझे ब्रेकआउट किया। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट को लेकर एक टिंटेड मॉइस्चराइजर बनाया, तो अगर कोई पूरा यूज़ करेगा और वो भी डेली यूज़ कर रहा होगा, सो अगर उस पर्सन को एक्ने है, सो इट कैन गेट वेरी वॉर्स एक्चुअली। सो ये हमने बात कर ली इंग्रेडिएंट्स के बारे में इसकी। नाउ लेट्स कम टू द रिवील टाइम कि फाउंडेशन स्किन पे कैसी लगती है। आई विल शो यू एवरी सिंगल थिंग इसको अप्लाई करके, ठीक है, और इसका हम लास्टिंग देखेंगे कितनी देर तक लास्ट है, किस तरह की लगती है, ठीक है, वो उसके बारे में सारे में बात करेंगे। सो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे किसी फीमेल की जरूरत थी, इसके लिए अपने सिस्टर से हेल्प मांगी कि इफ शी कैन कम और उनके फेस पे मैं इस प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकूँ। फाइनली एग्रीड, और हम ये भी देखेंगे कि इसके साथ बाकी के प्रोडक्ट्स कैसे से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से सेटल होते हैं, ठीक है, वो भी हम सब देखेंगे, और हम इस ब्लश को भी ट्राई करेंगे, ठीक है। सो गाइज नाउ लेट्स वेलकम आवर सिस्टर, हर नेम इज मुसुमा शाह, शी इज माई सिस्टर, सो लेट्स वेलकम हर। हेलो गाइज, हाय। सो शी इज अ प्रोफेशनल मॉडल, एज यू कैन सी हाउ स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल शी इज। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, एक्चुअली बहुत बिजी रहती हैं आजकल बिकॉज आज शूट्स वगैरह का सीजन है, तो मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि कुछ टाइम निकालें चैनल के लिए ताकि हम आप पे फाउंडेशन टेस्ट कर सकें। और बेसिकली वन मोर थिंग, शी इज ऑल्सो एक्चुअली स्टार्टिंग हर यूट्यूब चैनल, तो मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, तो आप लोगों ने प्लीज उसको भी सब्सक्राइब मस्ट 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 करना है, बिकॉज मैंने इनसे मेन ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत लॉयल हैं, दे विल डेफिनेटली सब्सक्राइब टू योर चैनल। सो शी देन एग्रीड कि चलो ठीक है मैं आती हूँ, चलो सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, यू नो। तो इन पे हम फाउंडेशन टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि फाउंडेशन कैसी है, ठीक है। एंड मस्ट 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 यू हैव टू सब्सक्राइब हर चैनल, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो गाइस हियर वी आर यूजिंग स्किन डीप का वाटर लॉक हाइलोरिक एसिड मॉइस्चराइजर, इससे मैं स्किन को मॉइस्चराइज भी करूंगा और ये स्टिकी सा है, सो इट विल ऑल्सो एक्ट लाइक अ प्राइमर, ठीक है। तो मैं इनके फेस पे इवनली अप्लाई कर रहा हूँ और मैं एक साइड पे अप्लाई कर रहा हूँ, नॉट अप्लाइंग ऑन द बोथ साइड्स, हम एक साइड पे फाउंडेशन को टेस्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज यू नो एक मॉइस्चराइज्ड और एक प्राइम्ड बेस हो तो उसके ऊपर फाउंडेशन और अच्छे से अप्लाई होती है। सो आई विल लाइक कि चलो फाउंडेशन को ज़रा फिर चांस मिल जाएगा। आई एम टेकिंग माई मिक्सिंग मीडियम पैलेट, उसमें मैं फाउंडेशन लगाऊंगा, एज हमारा इस फाउंडेशन का पंप नहीं चलता, तो हम इस फाउंडेशन को अपनी मिक्सिंग मीडियम की प्लेट पे लेके इस तरह की फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन को फुल फेस पे अप्लाई करता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट ब्रश, एंड देन मैं कोई ना कोई ब्यूटी ब्लेंडर और कोई फाउंडेशन ब्रश यूज़ करता हूँ। फर्स्ट आई ऑलवेज लाइक टू यूज़ अ वेरी प्रिसाइज्ड फ्लैट ब्रश लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके के ब्रश से मैं पहले एक दफ़ा फेस पे सारा प्रोडक्ट डिस्पर्स कर लेता हूँ, देन आई यूज़ एनी ब्यूटी ब्लेंडर और अ ब्रश। माई सिस्टर हैज़ अ वेरी यूनिक एंड अ फन पर्सनैलिटी यू कैन से, तो आप लोगों को इनके चैनल पे काफ़ी अच्छे व्लॉग्स मिल जाएंगे। अभी इन्हें व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, अक्सर ट्रैवल भी कर रही होती है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे डिफरेंट डिफरेंट से व्लॉग्स मिल जाएंगे इनके चैनल पे। थैंक यू नजर। अच्छा आफ्टर दिस आई एम टेकिंग दिस फ्लैट फाउंडेशन ब्रश, दिस इज़ बाय रियल टेक्निक, इनका फुल कवरेज के लिए फाउंडेशन ब्रश है और बड़ा अच्छा ब्रश है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं सोक करता और अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर देता है वाइल इट विल गिव यू कवरेज। सो एज यू कैन सी कि फाउंडेशन की कवरेज वहाँ पे है, इट इज़ गिविंग यू कवरेज, बट एज यू कैन सी ये वैसी वो यू नो कोरियन स्किन वाली ग्लास स्किन वाली फाउंडेशन नहीं है, बिकॉज ग्लास स्किन मीन्स दैट यू नो वेरी ड्यूवी सॉर्ट ऑफ अ फाउंडेशन, बट एज यू कैन सी इट्स नॉट दैट ड्यूवी वाली, ये वो फिनिश है जो आप लोगों को किसी भी नॉर्मल फाउंडेशन में मिल जाती है। अच्छा यहाँ पर आई वॉज नोटिसिंग कि फाउंडेशन ना थोड़ा थोड़ा ना पील ऑफ हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई इट वाज बिकॉज ऑफ प्राइमर या क्या, बट फाउंडेशन थोड़ा थोड़ा पील ऑफ हो रहा था, इवन दो जब मैंने इसको हैंड्स वगैरह पे टेस्ट किया था इट वाज नॉट पीलिंग ऑफ, ठीक है, बट जब फेस पे एज अ प्राइमर के बाद लगा तो ये थोड़ा सा पील ऑफ हो रहा था नोज एरिया से भी और थोड़ा सा जॉ लाइन से भी। ब्यूटी ब्लेंडर ले रहा हूँ, सब कुछ स्मूद आउट कर रहा हूँ। अच्छा मैं सेम फाउंडेशन को एज ए कंसीलर भी यूज़ करके देखना चाह रहा था, तो मैं सेम फाउंडेशन को एज ए कंसीलर लेके इसको छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके और साथ में थोड़ी सी और फाउंडेशन लेके उससे आईलिड्स को भी प्राइम कर रहा हूँ। मैं अपनी वीडियोस को वैसे सारी वीडियोस को ओरिजिनल कैमरा से शूट करता हूँ, बट इस वीडियो में क्योंकि मैं एक मेकअप करता था तो मैंने देखा वहाँ पे थोड़ा सा ब्यूटीफाई फिल्टर ऑन था, तो बहुत हल्का सा ना होने के बराबर है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर।
नाउ हियर आई एम टेकिंग माई मेबेलिन फिट मी लूज पाउडर बहुत अच्छे से स्मूथ आउट करके देन बहुत फाइनली मैं फुल फेस इसे सेट कर रहा हूँ. नाउ आई एम टेकिंग अ ब्रॉन्जर एंड अ कॉन्टर ब्रश और प्लेसमेंट देख के ही बहुत सॉफ्टली सॉफ्टली स्किन में इसको ब्लेंड कर रहा हूँ. जब मैंने मेन फोर्टी फाउंडेशन को टेस्ट करना है तो इसलिए मैं आईब्रोज और मस्कारा को स्किप कर रहा हूँ और इसलिए इस टाइप की चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ कि पता चले कि फाउंडेशन के साथ मिक्स होकर कैसे अच्छे से ब्लेंड होते हैं या नहीं. अब हम टेस्ट करेंगे ब्लश को. अच्छा, ब्रश में ज़्यादा फ्लफियर नहीं ले रहा, थोड़ा सा डेंसर फ्लफियर ले रहा हूँ और इससे मैं इस ब्लश को अप्लाई कर रहा हूँ. आई डोंट नो ये शेड ऐसे है क्या है, बट ये मैं ऑलमोस्ट थर्ड लेयर अप्लाई कर चुका बट ये इतना शो नहीं हो रहा था ब्लश एज आई एक्सपेक्टेड इट टू बी. अब इसी शेड को एज एन आई शेडो पर यूज़ करना चाह रहा था तो मैंने एक फ्लफियर ब्रश पे शेड को लेके एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करना चाह, तो एज यू कैन सी इट्स नॉट दैट पिगमेंटेड बट हमारी एक सॉफ्ट सी ट्रांजिशन बन गई आई शेडो की. मैं अपनी मॉर्फिक जेमचास की पैलेट ले रहा हूँ, उसमें शेड ले रहा हूँ कोड जेम्स और इसको मैं ट्रांजिशन से थोड़ा सा नीचे करके अप्लाई कर रहा हूँ और देन इसके बाद मैं इसके जो साथ ही शेड है 10% ऑफ इसको मैं क्रीज को डीपन अप करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ. देन सेम शेड से मैं शेड को थोड़ा सा आउटर साइड पे बफ कर रहा हूँ. अब मैं क्लीन ब्रश लेके इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर रहा हूँ. अब मैं सेम वो ब्लश वाला कलर ही ले रहा हूँ और ऊपर से जो हार्श एजेस हैं उनको ब्लेंड कर रहा हूँ. मैं प्रोफेशन की पैलेट से एक शिमर शेड लेके इसको फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रहा हूँ. पहले अब मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से इन एजेस को थोड़ा सा और स्मूथ कर रहा हूँ. सेम वो 10% ऑफ शेड लेके मैं शिमर के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ. अब सेम मैं वही 10% शेड लेके लोअर लैश पे अप्लाई कर रहा हूँ. अब यहाँ पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रहा हूँ. हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा ब्लश और अप्लाई करूँगा ताकि ब्लश और हाइलाइटर दोनों आपस में ब्लेंडेड लगें. Yes guys, that was it for this video. As you can see, ये गेटअप इनका रेडी हुआ है. फाउंडेशन को ब्लेंड करा था तो यहाँ पे नोज एरिया और यहाँ पे चीक बोन से थोड़ा सा पीलिंग वाला इफेक्ट आ रहा था कि फाउंडेशन उतर दिए साइड से. आई डोंट नो इट वाज बिकॉज ऑफ प्राइमर या क्या हुआ बट इट यहाँ से थोड़ा सा पीलिंग हुआ नोज एरिया इस एरिया से. ठीक है, ओवरऑल आई कैन सी कि फाउंडेशन थोड़ा सा लॉन्ग वेयरिंग है. इट विल प्रोवाइड यू कवरेज, ठीक है, बट इट कैन ट्रिगर्स द एक्ने एंड कैन ग्लो पोर्स. ठीक है, वो जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया. बाकी ये लुक के इस पे जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं वो ठीक से मैनेज हो गया. आई डिड नॉट फाइंड दैट प्रॉब्लमैटिक. जब आप लोग पाउडर अप्लाई करो एक दफा मेक श्योर करो कि ब्यूटी ब्लेंडर से एक दफा सारा ब्लेंड करके देन फॉरन ही पाउडर कर लो. ठीक है, बाकी ओवरऑल यू कैन सी दिस इज हर हाफ फेस और यहाँ पे इस हाफ फेस पे फाउंडेशन अप्लाई हुआ था. मैंने मस्कारा स्टेप कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया आईज का आईलैशेस के लिए बिकॉज आई वांट कि आप लोगों को रिजल्ट नजर आए फाउंडेशन का, विच वाज आवर मेन पर्पस. ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द मेकअप तो आप लोग देख सकते हो. ठीक है, दिस इज हाउ द मेकअप टर्न्ड आउट. आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा. प्लीज इसी तरह के अगर आप लोग हम दोनों की वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लीज इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें. आई होप आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही होंगी और लेट्स से गुड बाय टू आवर ब्यूटीफुल सिस्टर और सी हर अगेन. सब्सक्राइब टू हर चैनल मस्ट. ठीक है, मच फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड आई होप आई विल सी यू अगेन. बाय बाय, अल्लाह हाफिज. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को रिव्यू कहीं ना कहीं बेनिफिशियल लगा होगा और अगर आप लोगों को इसी तरह की मेकअप सीरीज पसंद आ रही है और वो भी मेरी सिस्टर के साथ, सो डू लेट मी नो. हम इस तरह के और मेकअप के प्रोडक्ट्स लेके आके टेस्ट करूंगा, इसलिए पाकिस्तानी मेकअप ब्रांड्स पे रिव्यू करके उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ के रिव्यू करेंगे और पे भी ट्राई करेंगे उन प्रोडक्ट्स को. ठीक है, एंड लास्ट बात आ जाती है, डू आई रिकमेंड दिस प्रोडक्ट्स? सो द शॉर्ट आंसर इज नो. आई थिंक यू कैन फाइंड समवेयर बेटर ऑप्शन इन वेरी चीप प्राइजेस एज वेल. प्राइस पॉइंट का मैं समझ सकता हूँ कि इट्स अ स्मॉल ब्रांड, सो थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज होती हैं. ठीक है, बट एक प्रोडक्ट ऐसा अच्छा ही नहीं है कि मैं किसी को हैप्पीली रिकमेंड कर सकूँ इवन दो, क्योंकि प्रोडक्ट्स, अब जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं बट वो काम करते हैं. ठीक है, बट इट वॉज ऑल्सो प्राइसी और ये वैसे परफॉर्म नहीं किया जैसे आई वॉन्टेड इट टू बी. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट बेटर क्वालिटी बट इट डिसअपॉइंटेड मी. ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट अप्रूव्ड बाय मी. ठीक है, बट लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू रिव्यू द रेस्ट ऑफ द ब्रांड प्रोडक्ट. मे बी रेस्ट ऑफ द ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स अच्छे हों बिकॉज ऑब्वियसली हर ब्रांड में कुछ मिसेज होती है, कुछ हिट्स होती हैं, तो मे बी दे हैव सम हिट्स एज वेल. ठीक है,
एंड अबाउट द ब्लश, इफ यू वॉन्ट अ वेरी सेटली टोन ब्लश, ठीक है, फॉर 650 rupees, सो यू कैन बाय दिस ब्लश, ठीक है. सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट द क्रिएटर, 650 rupees का एक कितने ounces है ये, इट्स 4.8 grams, विच इज एक्चुअली अ नाइस अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी, ठीक है. सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट द क्रिएटर, ठीक है, यू वॉन्ट वेरी लाइट सा ब्लश विद अ लिटिल बिट ऑफ शिमर, देन यू कैन परचेज दिस ब्लश, ठीक है. ओवरऑल आई डोंट थिंक बोथ ऑफ दिस प्रोडक्ट्स वर दैट गुड कि मैं किसी को रिकमेंड कर सकूँ, ठीक है. So I think that's it for this video. Thank you so much for watching this video. I hope आप लोगों को पसंद आई. Do let me know in the comments अगर मैं किसी और ब्रांड पे आप लोग रिव्यू चाहते हो, ठीक है. Please please subscribe to my channel. Please please it's a request. आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे इस चैनल पे, ठीक है. और ऑब्वियसली मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पे भी रिव्यू करता हूँ. सो इफ यू वांट टू मी रिव्यू एनी ऑफ द स्किन केयर प्रोडक्ट, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एज वेल. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे. अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा. थैंक यू एवरीवन सो मच. आई लव यू. बाय बाय.